साउथ स्टार समंथा रुद्रप्रभु हमेशा से अपनी एक्टिंग के चलते चर्चा में रही हैं। लेकिन जिस वक्त उन्होंने अपने पति नागा चैतन्य से तलाक लेने का फैसला किया, उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में है। उस दौरान एक्ट्रेस पर कई तरह के आरोप भी लगे, जिन पर हाल ही में उन्होंने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में बात की है। इस दौरान उन्होंने कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं, जिन्हें सुनकर शायद आपके होश भी उड़ जाएं। आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। समंथा ने चैट शो में सबसे पहले खुद पर 250 करोड़ की एलिमनी लेने के आरोप पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा, हर सुबह मैं आयकर अधिकारियों के इंतजार में उठती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले उन्होंने एलिमनी के बारे में कहानी बनाई, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह विश्वसनीय नहीं लगता। फिर उन्होंने कहा कि शादी से पहले तो प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत वो भत्ता नहीं मांग सकती। उन्होंने कहा, यह कठिन रहा है, लेकिन अब ये अच्छा है। मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूँ। जिसके बाद जब करण ने उनसे पूछा कि आपके मामले में मुझे लगता है कि आप पहले थे जब आपने और आपके पति ने अलग होने का फैसला किया, जिस पर तुरंत समंथा ने उन्हें रोका और कहा, एक्स हस्बैंड। जिसके बाद करण ने कहा, माफ करो एक्स हस्बैंड, जब आप और आपके एक्स हस्बैंड अलग हो रहे थे तो आपको क्या लगता है कि काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था? जिस पर समंथा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं इसके बारे में शिकायत नहीं कर सकती और परेशान नहीं हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में इन्वेस्ट किया था। वहीं जब करण ने समंथा से पूछा कि क्या तुम लोगों में एक दूसरे के लिए हार्ड फीलिंग्स है, जिसके जवाब में समंथा ने कहा, हार्ड फीलिंग्स हैं, जैसे अगर आप हम दोनों को एक कमरे में रखते हैं तो आपको वहाँ नुकीली चीजों को छिपाना होगा। एक्ट्रेस के इस बयान से साफ पता चल रहा है कि वे एक दूसरे से कितनी नफरत करते थे कि नुकसान पहुँचाने से भी पीछे नहीं हटते। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।